लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार की एक बार फिर से बढ़ी मुश्किलें। लालू राबड़ी और मीसा भारती समेत रेलवे के 30 अधिकारियों पर अब चलेगा मुकदमा। नमस्कार, न्यूज पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और लालू परिवार के साथ साथ रेलवे के 30 अधिकारियों पर अब सीबीआई को कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है। दरअसल आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई को 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार यानी कि 26 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि एक अन्य सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2023 को निर्धारित की है। ये मामला रेलवे में कथित रूप से नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान ये घोटाला किया। मामले में 7 जून 2023 अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें 38 ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्हें रेलवे में नौकरी मिली थी। वहीं ईडी ने इस मामले में 18 सितंबर 2023 को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया। इसके बाद लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया गया। वहीं कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और रानी को 7 मार्च 2023 को जमानत दे दी। 4 अक्टूबर 2023 को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत मिली। वहीं 19 नवंबर 2023 को सीबीआई ने कोर्ट को सूचित किया था कि मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी लंबित है। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकरण को 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आपको बताते चले कि 7 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की। 22 सितंबर 2023 को दूसरी चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान, वहीं 27 फरवरी 2023 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं अभियोजन की शेष स्वीकृति मिलने के बाद सीबीआई मामले को आगे बढ़ाएगी। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां इस घोटाले में अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाईयों ने इस मामले को राजनीतिक और कानूनी रूप से अहम बना दिया है। अभियोजन की मंजूरी मिलने से अब कानूनी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। ये स्कैम तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी। और अब इस मामले में सीबीआई जल्द कार्रवाई करने जा रही है। लालू परिवार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे में कथित रूप से नौकरी देने के बदले, दरअसल ये मामला रेलवे में कथित रूप से नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान ये घोटाला हुआ। साथ ही आपको बताते चले कि 7 जून 2023 को अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें 38 ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्हें रेलवे में नौकरी मिली थी। ईडी ने इस मामले में 18 सितंबर 2023 को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। और इसके बाद लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 7 आरोपियों को में पेश होने का समन जारी किया। तो देखिये, सीबीआई ने एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी और साथ ही रेलवे के 30 अधिकारियों पर भी अब सीबीआई कार्रवाई करने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ को नेशन।